नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट के जौरासी गांव के रहने वाले अभिषेक फिकाल के शानदार गोलकीपिंग खेल के प्रदर्शन को देखते हुए नॉर्थ जोन जूनियर टीम के लिए चयन होने पर जनपद में खुशी व्याप्त है। इससे पूर्व अभिषेक को देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज में रिलायंस द्वारा आयोजित जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने पर गोल्डन प्राइड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अभिषेक के जूनियर टीम में चयन होने पर व्यापार संघ उपाध्यक्ष अजय रावत सहित सीमांत के खिलाड़ियों ने खुशी व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। शासन द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद भी अभी तक शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में पदोन्नति की कार्रवाई न होने पर उत्तराखंड फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन कुमाऊं मंडल ने नाराजगी व्यक्त की है। एसोसिएशन के मंडलीय महामंत्री सौरभ चंद ने इसे कर्मियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताते हुए शीघ्र पदोन्नति की कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने मामले में शासन स्तर से हस्तक्षेप करते हुए विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र संपन्न कराने एवं विद्यालय शिक्षा विभाग में 2 जुलाई 2019 और 30 जून 2020 को प्रधान सहायक पद पर प्रोन्नत कार्मिकों को पदोन्नति का वास्तविक लाभ देते हुए वर्तमान में गतिमान प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल किए जाने की मांग की है। रुद्रपुर में आयोजित राज्य स्तरीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता में सीमांत जनपद के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर 13 स्वर्ण 15 रजत और 15 कांस्य पदक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है, जिसको लेकर जनपद भर में खुशी व्याप्त है। प्रतियोगिता में जिले के प्रतिभागी जिला खेल समन्वयक जितेंद्र वल्दिया, निर्मल भट्ट, देवेंद्र बिष्ट, हीरा चंद, हरीश पांडे के नेतृत्व में प्रतिभाग कर रहे हैं। निर्णायक की भूमिका में जिले के चंद्रमोहन बिष्ट, मदन साही, शेखर कपूर, राजेश उप्रेती, कैलाश भट्ट, त्रिभुवन उपाध्याय, दीपक उप्रेती आदि शामिल हैं। प्रतिभागियों की इस उपलब्धि पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और शिक्षकों ने खुशी व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से थल क्षेत्र में थानाध्यक्ष हीरा सिंह डांगे के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा पालाग्रस्त क्षेत्रों व अन्य संवेदनशील स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए, साथ ही लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देने के साथ ही जागरूक किया गया। अल्मोड़ा में मादक पदार्थों का सेवन कर उत्पात मचाने, अराजकता फैलाने व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एसएसपी अल्मोड़ा प्रदीप कुमार राय के आदेशानुसार पुलिस द्वारा चलाया जा रहा चेकिंग अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में 410 लोगों के खिलाफ पुलिस व कोटपा अधिनियम में कार्रवाई की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 346 लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई व 18 वाहनों को सीज किया गया। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वाले 1 दर्जन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। साथ ही सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर उत्पात मचाने व शराब पिलाने वाले 52 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के साथ 2,72,100 रुपये का जुर्माना वसूला गया। शराब के नशे में 102 पर झूठी सूचना देना तथा उच्च ध्वनि में डीजे बजाना महंगा पड़ गया। झूठी सूचना पर 5,000 का तथा उच्च ध्वनि में डीजे बजाने पर 10,000 का पुलिस द्वारा चालान किया गया। पिथौरागढ़ पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात्रि महिमन सिंह निवासी अलगड़ा हाल निवासी रई द्वारा पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल कर बताया गया कि सिलताम तिराहे पर एक व्यक्ति उसके साथ मारपीट कर रहा है। मिली सूचना पर बताए गए स्थल पर पुलिसकर्मियों ने पहुंचकर लोगों से जानकारी प्राप्त की, जो वहां इस तरह की कोई घटना न होने की बात कही गई। शिकायतकर्ता महिमन सिंह से जानकारी लेने पर बताया गया कि उसने शराब के नशे में गलती से 112 में कॉल कर दी थी। कर्मियों द्वारा महिमन सिंह का मेडिकल करवाया गया, जिसमें शराब पीने की पुष्टि होने पर तथा पुलिस को गुमराह करने पर उप निरीक्षक बबीता टमटा द्वारा शिकायतकर्ता का 83 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत 5,000 का चालान किया गया और भविष्य में इस तरह का कृत्य न करने की हिदायत दी गई। इधर निर्धारित समय सीमा के बाद रात को उच्च ध्वनि में डीजे बजाने पर उप निरीक्षक सुरेश कंबोज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दाड़िमखोला में एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान लक्ष्मण सिंह का 10,000 का चालान कर चालानी रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की। इसके अतिरिक्त मिशन मर्यादा अभियान के तहत धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी करने पर 33 लोगों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम और कोटपा अधिनियम में कार्रवाई की गई। इधर पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने अभियान लगातार जारी रखने की बात कही है। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े समाचार सुने। धन्यवाद।